सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारे गेमर और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं फेस रिवील करने वाला हूं जो कि मेरा फेस है, और इस फेस को मैं रिवील करने वाला हूं जो कि कोई मतलब का है नहीं। पर गाइस, इसके साथ साथ मैं पूरा का पूरा मेरा सेटअप टूर बताऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक, और मैंने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किया हूँ और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को हुई है इस यूट्यूब चैनल को चलाने में, और ये जर्नी जो मैंने स्टार्ट किया हूँ और अभी तक जैसा मैं कुछ कर रहा हूँ, और मेरा पूरा सेटअप टूर बहुत ही ज़्यादा सैड स्टोरी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ फनी मोमेंट्स भी हैं। तो गाइज, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आ चुका है वो समय जब हम करने वाले हैं फेस रिवील और आपको देंगे हमारे पूरे एक्सप्रेशंस जब हम फेस रिवील करेंगे। और गाइज, इस फेस रिवील करने के बाद ना पता नहीं क्या होने वाला है, और अभी तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है फेस रिवील करते समय, बट आपको कैसा लग रहा है और लगेगा वो आप मेरे को बता देना, ठीक है? तो कर दो ना भाई साहब फेस रिवील, क्या बोलती पब्लिक, कट कर देना ठीक है यहाँ पर, चलो कर ही देता हूँ अब। सो गाइस, अब मेरा फेस रिवील हो चुका है और मेरे को आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मेरे फोन में मेरा चेहरा दिख रहा है तो कोई अनबॉक्सिंग में मेरा ये दिख रहा है वो दिख रहा है, आपका ये हो रहा है वो हो रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंड कैम वीडियोस और मेरे फेस कैम के साथ ढेर सारे व्लॉग और मेरे फेस कैम के साथ गाइस अनबॉक्सिंग की वीडियो में लेके आ सकता हूँ, और मेरे को काफ़ी मज़ा आएगा और मेरे को काफ़ी हद तक अब अच्छा लग रहा है फेस रिवील करने के बाद। पहले नहीं लग रहा था बट अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो भाई साहब, हमारे सेटअप जर्नी में तो दिखाना है तुमको कि कितने दुख दर्द भरे इस प्यारे गेमर की जर्नी है भाई साहब। आंसू जरूर निकलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइस, अब मैं बताऊंगा जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो हैंडकैम वीडियो बनाया था तो कैसे बनाया था। तो ये स्टूल को मैंने रखा था बाहर क्योंकि अंदर काफ़ी रोशनी नहीं रहती, तो फिर से हम वैसे ही एक बार करके बताता हूँ आपको रियल में कि हाँ भाई कितनी प्रॉब्लम से और कितनी दिक्कतों से मैं हैंड के वीडियो बनाता था। तो इसको मैं उठा के बाहर रखता हूँ यहाँ पर, इस फ़ोन को मतलब रियलमी 7 का कुछ ऐसा रखता था, ठीक है, ऐसा मैं रखता था और ऐसा करता था, ठीक है। और यहाँ पे गए घंटों घंटों, कम से कम 3 से 4 घंटे 2-3 घंटे तो मैं लगातार बैठता था, क्योंकि पता है आपको भी कि कितना ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है एक हैंडकैम वीडियो बनाने में, और बहुत सारे मल्टी क्लिप्स की 5 मिनट की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो जब मैंने फर्स्ट टाइम फ़ोन लेके आया था तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, ये वही स्टूल है, ये ब्लू स्टूल यही है, और यहीं पर मैं ऐसे ही कुछ करके वीडियो बनाता था, और अभी इसी स्टूल में वीडियो बनाता हूँ बट थोड़ा सा अलग हो चुका है। तो अब इस स्टूल का फिर से अंदर रखते हैं। सो गाइस, बाहर का आपने देख लिया, और गाइस ऐसी वीडियो मैंने बहुत सारी बनाया था, 10-15 बनाया हुआ था, बट उसके बाद फिर मैंने सोचा है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही मेरे को, मेरी कमर बहुत दुख रहा था, तो फिर मैंने कुछ किया, जुगाड़ किया। तो गाइस, ये टेबल मैंने यहाँ पर निजात किया हूँ, निजात नहीं, ये गाइस शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था ना उससे पहले की ये टेबल है, और ये काफ़ी ज़्यादा इतनी खतरनाक है भाई साहब, टूटा है, देखो यहाँ से टूटा है। इसको मैंने पूरा रिपेयर करके ऐसा कुछ बनाया, एक समझ लो एक स्टैंड बनाया हूँ। और गाइस, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बैकग्राउंड के लिए, वाइट बैकग्राउंड के लिए ये टॉवल रखा, और ये चटाई है, और ऐसा कुछ मैं बैठता हूँ गाइस, और ऐसा बैठ के खेलता हूँ, ठीक है। अभी भी जब मैं शुरू में भी खेलता था तो ऐसे ही खेलता था, और अभी भी जो मेरी आप वीडियोस देखते हो हैंड कैम वीडियोस, तो गाइस अभी भी मैं वैसे ही खेलता हूँ, बट थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ मैंने, तो वो भी मैं धीरे धीरे बताऊँगा। और गाइस, कभी ना अंधेरा हो जाता था, ज़्यादा टाइम हो जाता था तो लाइट की कमती आती थी, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्टूल को मैं थोड़ा सा तिरछा करके बताता हूँ, तो काफ़ी रज्जी लगी अंदर, तो भाई साहब गुस्सा ना करना। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ही ये सब कुछ किया हूँ, एक बल्ब यहाँ और एक बल्ब यहाँ और एक बल्ब यहाँ, ये भी ख़राब हो चुका है। तो गाइस ऐसा कुछ करा हूँ मैंने, तो इसमें ऐसा रहता है कि जब ये उजाला थोड़ा कम हो जाता है तो गाइस इन लाइटों से मैं थोड़ा सा और रोशनी कर सकता हूँ इन कमरों में और मेरे हैंड कैम्स में। सो गाइस, अभी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ बट थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया हूँ मैंने। तो यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पर आप 2-3 घंटे बैठ के जब गेमिंग करोगे ना खुद से,
खुद ऐसा बैठ के गेमिंग करोगे तब पता चलेगा कि भाई हाँ यार 3 से 4 घंटे, और फिर एडिटिंग, फिर उसको वीडियो अपलोड करना, थंबनेल बनाना, टाइटल बनाना, इतना सारा कुछ करने के बावजूद जब लास्ट में आप थक जाओगे ना तब पता चलेगा भाई साहब हाँ बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया मैंने। सो गाइस अभी इसको हम साइड कर देते हैं और इसका अपडेटिंग वर्जन बता दूं क्या है। कुछ नहीं है गाइस ज्यादा, एक ये गद्दा है इसके अंदर व्हाइट वाला गद्दा है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो इसको मैं ऐसा रखता हूँ और ये गाइस ब्लैक बोर्ड नहीं व्हाइट बोर्ड है जो लिखते हैं इसमें, बट अभी हमने इसको इसको अभी मैंने एक बैकग्राउंड बना लिया हूँ तो कुछ ऐसा रखता हूँ, ठीक है तो कुछ ऐसा रखता हूँ और अभी फोन रखूंगा मैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके गाइस हमको और भी ज़्यादा रोशनी चाहिए इस कमरे में और भी ज़्यादा हैंड कैम्स में रोशनी ही रोशनी चाहिए, तो गाइस उसके लिए हमने यहाँ पे लैंप लेके आए थे जो कि हम एक यहाँ लगाते हैं। एक लैंप ये है वो भी गाइस टूट चुका है, यहाँ देख सकते हो ये भी टूट चुका है। तो गाइस ऐसा कुछ लैंप मैं लगाता हूँ और फिर बैठता हूँ इतनी सारी रोशनी में हम फिर से एक और बार बैठेंगे। सो गाइस हम फिर से इन लाइटों को जलाएंगे और आपको बताएंगे कि इतनी गर्मी में और पास में लाइट रखने के कारण कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बट प्रॉब्लम तो कुछ समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैं हंस के बता रहा हूँ भाई साहब, बहुत ही सैड स्टोरी है ये, तुमको क्या लग रहा है मजाक। तो चलिए सबसे पहले यार बोर्ड लेके आता हूँ यार, तभी तो हम लाइटें जलाएंगे। प्लग तक की नहीं है। सो गाइस अब है ना इस कमरे में रोशनी और हमारे हैंड कैम में इतनी रोशनी कहाँ लेके जाऊंगा मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी गर्मी है, पसीना अलग निकल रहा है, लाइट बाजू में है, इनकी गर्मी हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं। अब करें क्या कहें मेरे भाइयों। अब ये सामने 3 जो लाइट है उनका रोशनी मेरे आंखों में डायरेक्ट आता है, इसके लिए मैंने एक और जुगाड़ लगाया भाई साहब। पूरा यहाँ पर जो मैं हैंडकैम जो वीडियो बनाता हूँ ना पूरा जुगाड़ से चलते है मेरी वीडियो, पूरी चैनल भी जुगाड़ से ही चल रहा है। सो गाइस सारा कुछ हो चुका है, देख सकते हो कि अब मेरा जो सेटअप है थोड़ा और भी प्यारा दिख रहा है, पहले गरीब था अब और महागरीब दिख रहा हूँ। अब देखो गाइस अब इन किरणों की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी आंखों को भेद सकें और हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सके, बट इन दोनों की मजाल अभी भी है, क्या कर ली इनको कुछ कह नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। तो गाइस ऐसा कुछ था तो इन देखो यहाँ से अब मेरे को उधर का रोशनी नहीं आ रहा है तो मेरे को थोड़ा सा अभी अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। आपको कुछ दिखाना है जिसको आपको देख के लगेगा भाई साहब प्यारे गेमर कुछ तो कर लेता अपने लिए। यहाँ पर एक खटिया लगी हुई है, ढंग से भी नहीं है भाई, मेरा ऊपर का आप व्यू देख सकते हो, मेरा घर का व्यू। और थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा सेटअप करने की कोशिश की तो गाइस यहाँ पर मैंने प्यारे और टीकम लिखा हुआ हूँ। ना ये टेबल था, ना वो टेबल था, ना वो कूलर था, कुछ नहीं था। वो कूलर तो भाई साहब बाबा आजम के ज़माने का है, वो जब बहुत ही ज़्यादा अभी तेज़ गर्मी थी अभी कुछ महीने पहले, एक महीने पहले, तो यहाँ पर ना मतलब भाई साहब फ़ोन लाए, 5 मिनट रुके, आग उगलता था फ़ोन, आग भाई हाथ मैंने पकड़ा आता था। तो हमने क्या करें कि इस सेटअप को उठा के हमने घर के अंदर ले गए थे, तो वहाँ भी सब कुछ ऐसे ही था। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी जो अनबॉक्सिंग है और हैंडकैम की वीडियोस हैं वो टेबल अभी बची हुई है, ये कहाँ छुपी थी इतनी बड़ी टेबल, चलो आओ। सो गाइस यही वो टेबल है जहाँ हम अनबॉक्सिंग करते थे, बट इसका ना जगह हमने चेंज कर दी है ये सेटअप टूर दिखाने के चक्कर में, तो ये इसको हम वहां रखते हैं। भाई साहब टेबल कहाँ चली गई, वो है भाई साहब। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये वो टेबल है और ये लाइट ऐसी ही लगी रहती है और यहीं पे मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाता हूँ। और सामने का ना रोशनी बहुत अच्छी आती, जो सूरज की रोशनी है वो भाई परफेक्ट रहती है, कुछ भी गलती नहीं रहती। तो ये ऐसा कुछ, और अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है। अब सोच रहे हो कि भाई साहब ऐसा फ़ोन पकड़ता होगा आधा एक घंटे से, उसके लिए भी मैंने जुगाड़ लगा के रखा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ तारे लगी हुई हैं, तो इनका भी कुछ रूल्स है भाई साहब, रोल है इसमें भी। सो गाइस ये है बड़ा स्टैंड और ये है छोटा स्टैंड, तो इसको मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लटकाता हूँ, तो आप देख सकते गाइस ऐसा कुछ मैं फ़ोन फंसाता हूँ और ऐसा वीडियोज़ की अनबॉक्सिंग करता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये है फोन, समझ लो फोन का डब्बा,
और ये है हमारा फोन और ये है अनबॉक्सिंग की वीडियो। इसमें मैं गेमिंग नहीं करता, ये टेबल में गेमिंग मैं अभी भी इसी में करता हूँ, जैसे कि मैंने बताया हूँ ऐसे ही करता हूँ, और शायद से मैं बाद में बात तक भी ऐसे ही करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई गेमिंग चेयर नहीं है, कोई बैठने का कुछ नहीं, ना कंप्यूटर है ना लैपटॉप है। जितना भी कुछ काम करता हूँ सारे फ़ोन से करता हूँ, सारा कुछ मैं फ़ोन से ही करता हूँ और कुछ नहीं करता। और ये स्टूल भाई साहब हमेशा साथ रहेगी, इसको मैं कभी कुछ नहीं करूँगा और इसको बेचूँगा भी नहीं और इसको कुछ होने नहीं दूँगा। तो गाइस मैंने इतना जो सब कुछ बताया हूँ सिर्फ वही है और उतना ही है, मैंने और भी ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ। थैंक फॉर ऑल मेरे जितने भी YouTube फैमिली है, यदि वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो मैं इतना कुछ नहीं कर पाता, अकेले तो कर ही नहीं पाता यार भाई, जब तक आप सपोर्ट ना करो तो कर ही नहीं पाता। मेरा एक भाई है और टीकम गेमर, और गाइस बहुत सारे मेरे दोस्त जो कि मेरे साथ डेली खेलते हैं और जो मेरा सपोर्ट करते हैं साथ में खेलते हैं, उनका मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ। और गाइस मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है 1 मिलियन कराने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये सेटअप टूर बस इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद मैं और भी सारे व्लॉग्स लेके आऊँगा और वीडियोज़ लेके आऊँगा फेस कैम के साथ। और गाइस ये जर्नी बस इतनी थी, और भी बहुत सारी सैड स्टोरीज हैं वो मैंने बताया नहीं हूँ, बट क्यों नहीं बताया वो नहीं पता यार, बट जो भी है जितना भी है मैंने जितना बताया गाइस उतना ही है। तो यदि ये वीडियो पसंद आती है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन पे सेट कर डालना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आती रहे और मेरी वीडियो आप ऐसे इंजॉय करते रहें। और बहुत सारे अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।